या AMH का टेस्ट है वो करवा दिया जाता है और देखते हैं कि अच्छा क्या आपकी ओवरी जो है या अंडेदानी ने वक्त से पहले काम करना बंद तो नहीं कर दिया, कौन सा हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके साथ फिर जो खातून होती हैं उसका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पीरियड्स की प्रॉब्लम लोगों को होती है कि पीरियड्स आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं, उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं और उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है। सबसे टॉप पे जो वजह है और बहुत कॉमन है वो तो PCO है। PCO में क्या होता है कि आपके हार्मोन इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं कि लोगों को वक्ती तौर पे पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। ये किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है, अमूमन आरजी होता है और उसमें ये कि आप मेडिसिन देते हैं तो पीरियड्स आ जाते हैं, और या फिर थोड़े अरसे के बाद 6 महीने 8 महीने या साल बाद उसको खुद ब खुद भी पीरियड्स स्टार्ट हो सकते हैं। PCO की बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होती है, एक तरह से नहीं होता, बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट करता है। सो ये डिपेंड करता है कि कितनी सिवेरिटी है, कौन सा हार्मोन ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके साथ फिर जो खातून होती हैं उसका वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है और माहवारी के मसाइल भी हो जाते हैं। इसके अलावा जो माहवारी जिसे कहते हैं खुश्क हो जाना, ये बिल्कुल बंद हो जाना, ये उन खवातीन में होता है जिनमें आपकी अंडेदानी जो है वो काम करना छोड़ देती है। ऐसे में भी कुछ टेस्ट होते हैं जो हम करवाते हैं और हमें पता चलता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि FSH का टेस्ट है या AMH का टेस्ट है, वो करवा दिया जाता है और देखते हैं कि अच्छा क्या आपकी ओवरी जो है या अंडेदानी ने वक्त से पहले काम करना बंद तो नहीं कर दिया। अगर ये बहुत यंग एज में हो रहा है तो ये डेंजरस भी हो सकता है, यानी आपकी हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो नेचुरली होने चाहिए थे वो एकदम से नीचे चले जाते हैं। इसमें फिर जो माहवारी लेके आना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी रीज़न ये होती है कि आप बाहर से ऐसे हार्मोन्स दे रहे होते हैं जिनकी वजह से उनका एक रेगुलर साइकिल चलाना ज़रूरी होता है, और वो इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जो आपकी जो एजिंग के साइंस होते हैं यानी वक्त से पहले जो बूढ़ा होना है वो उसको कम किया जा सके। जब एक दफ़ा ये चीज़ डायग्नोज हो जाती है तो इसमें जो दो प्रॉब्लम्स आते हैं कि इसके बाद बेबी प्रोड्यूस करना का खासा मुश्किल होता है, और इसके बाद जो है दो जो प्रॉब्लम्स आपको 50 साल की उम्र के बाद आनी होती हैं वो पहले आना शुरू होती है, जैसे हॉट फ्लशेस का आना, हड्डियों की कमजोरी वगैरह, ये चीज़ें आपकी या ड्यूरिंग जो आपके हस्बैंड से जो ताल्लुक होता है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील करना शुरू कर देती हैं। इसके इलाज के लिए यानी जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है वो तो मुश्किल है, बेबी के लिए प्रोड्यूस करने का ट्रीटमेंट तो मुश्किल है, लेकिन जो अमूमन हम इनको रिकमेंड करते हैं कि हम इनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं, और उन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का ये फ़ायदा होता है कि अपनी एक रूटीन नॉर्मल लाइफ को स्टार्ट करती हैं, और अप टू एज ऑफ 50 तक या 48 तक हम वो हार्मोन्स इनको देते हैं, और उसके साथ उनका फ़ायदा ये होता है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे पहले गुजार रही होती हैं वैसे ही वो अपनी नॉर्मल लाइफ को गुजार सकती हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।